भाई ने सवाल पूछा है कि इनके माँ बाप जो है वो ज़कात देने में गफलत करते हैं, अब ये चाहते हैं कि ये उनकी तरफ से ज़कात दें, तो पूछ रहे हैं क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, और अगर ऐसा करूँ तो क्या पहले उनसे इजाज़त लेनी ज़रूरी है। माँ बाप ज़कात देने में गफलत बरत रहे हैं, बेइंतहा अफसोस की बात है। और खुद इस बच्चे में ज़कात अदा करने का जज्बा पैदा हुआ, ये बहुत काबिल तहसीन बात है कि वालदेन को तो फिक्र नहीं है, बेटे को फिक्र है। अब इस सूरत में अगर ये बेटा इसकी फिक्र करे कि मैं अपने माँ बाप की तरफ से ज़कात अदा करूँगा, वरना उनको सख्त तरीन सज़ा लग सकती है, इसलिए कि इसमें सख्त वईदे हैं। कुरान करीम में भी वईदे हैं कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करेंगे उनका माल गर्म कर करके उनके जिस्म को दागा जाएगा। कुरान करीम में यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लि अन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनज़ून। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये वो माल गर्म करके तुमको, ये माल अज़दहा बन करके क़यामत के दिन उसके उस पर मुसल्लत होगा और बहुत बुरी तरह से उसको भौड़ेगा। हदीसों में मौजूद है, सही अहदीस में, कुरान करीम की आयतों में ज़कात अदा न करने पर सख्त तरीन वईदे हैं। तो लिहाजा बहुत अफसोसनाक मामला है ये उस शख्स के बारे में जो मुसलमान है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो चाहे जो भी हो, कि वह ज़कात अदा करने के सिलसिले में फिक्रमंद न हो। बेटे को ज़कात, वालदे की ज़कात अदा करने की फिक्र है, बहुत गनीमत, बहुत मुनासिब। हो सकता है इस बेटे के इस इकदाम से ही वालदेन को तनब्बू हो जाए, वो समझने लगे कि फिक्र तो हमें करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर वालदेन इसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं और बेटा, तो वालदेन के दिए हुए इस माल में से जब बेटा वालदेन की तरफ से ज़कात अदा करेगा तो ज़कात अदा हो जाएगी, और उनको बाखबर करना ज़रूरी है कि तुम्हारे माल पर इतनी ज़कात लाजिम है, तुमने मुझे जो कुछ दिया था जेब खर्च के तौर पर या किसी और के नाम पर, मैं वो तुम्हारी तरफ से ज़कात अदा कर रहा हूँ। अब अगर वालदेन उस पर एतराज़ करने लगें या सवालात करने लगें, तो बेटे को अच्छी तरह से कहना चाहिए, आप भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, जैसे हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है ऐसे हर मुसलमान पर ज़कात भी फ़र्ज है, और आप पर भी ज़कात फ़र्ज है और आप इसमें कोताही कर रहे हैं, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा जब मुझे ये मालूम हो जाए कि मेरे वालदेन जहन्नम में जाएंगे और मेरे वालदेन क़यामत के दिन अज़ाब में पकड़े जाएंगे, उसे तुम्हारी आखिरत बचाने के लिए मैं ज़कात देता हूँ, चाहे मुझे अपने जेब खर्च देना पड़े। बस ये साफ खुल करके बात कहनी चाहिए। القرآن قد خصك الرحمن.